नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर शुक्रवार को संसद में जोरदार हंगामा हुआ। स्मृति ईरानी ने माफी की मांग की तो कांग्रेस सांसद भी हंगामा करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच भी नोकझोंक होने लगी। इतना ही नहीं, भाजपा के सांसदों पर सोनिया गांधी के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया। अब सपा राज्यसभा सांसद जया बच्चन सोनिया गांधी के समर्थन में उतर आई हैं। जानकारों की माने तो जया बच्चन ने इन सब की बात कहा कि संसद में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। इस तरह का बर्ताव हमने पहले कभी नहीं देखा। महिला सीनियर नेता खड़ी है और नारेबाजी हो रही है, ये बेहद शर्मनाक है। आपका डबल स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए। सोनिया गांधी के समर्थन में जया बच्चन ने कहा कि बेचारी को आप इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, वो सीनियर नेता है, सब जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहती। जया बच्चन के इस बयान पर तमाम लोग अपनी अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इन सब के बाद यूजर्स अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस वीडियो पर दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि अधीर रंजन चौधरी की बातों पर आप पर्दा डाल रही हैं। पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से भारत के प्रथम नागरिक का अपमान किया जा रहा था और आप लोग तमाशा देख रहे थे। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि आप एक राष्ट्रपति का खुलेआम अपमान कर सकते हो, वो भी एक वरिष्ठ आदिवासी महिला का, क्या वो सही है? जब आप किसी को अपमानित करोगे तो उसका भुगतान तो आपको भरना ही पड़ेगा। वहीं तीसरे यूजर का कहना था कि अगर वो बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो राजनीति क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को संभालने वाला और कोई नहीं है? वहीं चौथे यूजर का कहना था कि स्मृति ईरानी को अपने व्यवहार के लिए पूरे सदन में माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के बीच जोरदार बहस हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनिया गांधी ने स्मृति से डोंट टॉक टू मी तक कह दिया। इसके बाद स्मृति भी गुस्से से लाल हो गई और दोनों में नोकझोंक जमकर हुई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही जाते जाते आप हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारे नए नए वीडियोस के अलर्ट भी आपको मिलते रहेंगे।